कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख रखा। मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में पानी के मुद्दे पर कहा कि हमने किसी का पानी नहीं रोका और ना पहले रोका गया था। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने संकेत दे दिया है कि हरियाणा में 36 बिरादरी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। जब हुड्डा से शैलजा के प्रदेश में टिकटों का सही वितरण न होने के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान का होता है और वरिष्ठ नेता को सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं किरण चौधरी के शैलजा का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करने को लेकर हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सबको अपनी बात रखने का हक है और हमारे तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी हौसला है। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो संकेत दे दिया लोगों ने, 36 बिरादरी आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। ये कह रही है कि 10 की 10 सीटें जीत जाते हैं अगर टिकट वितरण सही होता है। ये पार्टी का फैसला होता है, जो करीब भी फीडबैक सही नहीं गया, पार्टी का फैसला है, ये हाईकमांड का फैसला है। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे हैं, किसी भी वरिष्ठ नेता को सोच के बात करें। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे हैं पानी नहीं मिल रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो किसी का पानी नहीं रोक रहे भाई, उन्हें पहले भी नहीं रोका। 70 बार आपकी बार सर, 70 बार भारी बहुमत। ईवीएम को लेके फिर सवाल उठ रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं, मुंबई में ऐसा हुआ है एनडीए के जो। अब तो पहले भी हमारी पार्टी में खाए हैं, सब मानते हैं कहीं ना कहीं खामी है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे नतीजा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये आएगा जब देखते हैं। किरण चौधरी ने शैलजा का नाम सीएम पद के लिए अनाउंस किया, तो क्या कोई बात नहीं, हर आदमी का अधिकार है। तू भी बन जा, तू भी बन प्रजातंत्र भाई, हर आदमी आपत्ति है। आपको ना आपत्ति है क्या? बात करो। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के बयान कि कांग्रेस लोगों को बहका रही है, पर हुड्डा ने कहा कि बहका तो भाजपा रही है 100-100 गज के प्लॉट देने के नाम पर। 100-100 गज के प्लॉट दिए, बहका तो ये रहे हैं, 10 साल में कुछ भी नहीं किया, बर्बाद कर दिया हरियाणा को। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से जब शैलजा के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की टिकट वितरण कमेटी में शैलजा भी शामिल थी, हरियाणा में सही टिकट बांटी गई थी और अगर कोई बात रखनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर नेता रखें, ना कि मीडिया के अंदर। जो कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला है और उसमें सभी होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, जिनकी आप बात कर रहे हो वो भी खुद मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। उसके बाद में कांग्रेस नेतृत्व ने जो फैसला लिया, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिए, सब ने उनको सराहाया। अगर कोई आपत्ति है तो वो कांग्रेस नेतृत्व से बात करें बजाय मीडिया में जाने के। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 5 पर बीजेपी। ऐसे में कुमारी शैलजा और किरण चौधरी मीडिया में जमकर हुड्डा को निशाना बनाकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जग जाहिर हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।